आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। ये अप्रैल मंथ की योजना का पार्ट टू है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग गवर्नेंस चैलेंजेस की बात करेंगे जो नॉर्थ ईस्ट फेस कर रही है। आज की डेट में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बैकवर्ड रीजन्स में आता है। ये कैसे पता चलता है? वहाँ के लो पर कैपिटा इनकम के वजह से पता चलता है, लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से पता चल रहा, लो कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सप्लॉटेशंस ऑफ द रिसोर्सेस और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिससे पता चलता है कि आज की डेट में भी नॉर्थ ईस्ट पिछड़े एरिया में आएगा। एक्सप्लॉटेशन से यहाँ मतलब है जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जो मिनरल्स पाए जाते हैं, हाइड्रो पावर पोटेंशियल्स, फॉरेस्ट, इनका एक्सप्लॉटेशन हो रहा है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का जिसका हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रोड रोड रेलवे ये सब अच्छी फैसिलिटीज वहाँ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन वहाँ ज़्यादा होता ही नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जाती नहीं है क्योंकि कनेक्टिविटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है और अभी उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसे दोबारा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। पुअर टैक्स कलेक्शन, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बैकवर्ड फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। इससे क्या होता है कि ये खुद के रिसोर्सेज से टैक्स कलेक्ट कम कर पाते हैं, जो कि इनको फोर्स कर देता है कि वो डिपेंड हो जाए सेंट्रल डेवोल्यूशंस पे, मतलब सेंटर द्वारा जो ग्रांट्स प्रोवाइड किए जाए उस पर ये डिपेंड करने लग जाते हैं। और जो लोकल मनी पीपल, जो जिनके पास पैसा है, जो लोकल लोग हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो वहाँ पे बजाय इंडस्ट्री के सेटअप करने के जमीनों में पैसा लगा रहे हैं। इससे उनके लिए तो फायदा हो सकता है पर ओवरऑल स्टेट पे डेवलपमेंट नहीं आने वाली। अगर कुछ स्टेट को छोड़ दिया जाए जैसे कि सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम, बाकी सारे स्टेट ने इकोनॉमिक ग्रोथ पे सभी इंडिकेटर में पुअरली परफॉर्म किया है। असम 1970 तक अच्छे स्टेट में आता था, मतलब कि ग्रोथ वहाँ पे देखी जाती थी क्योंकि सभी इंडिकेटर्स पे इनका परफॉर्मेंस लगभग लगभग अच्छा ही रहता था, पर आज की डेट में ये ऐसा स्थिति नहीं है। टोटल नॉर्थ ईस्टर्न जो पॉपुलेशन है उसमें 70% लोग तो असम में रहते हैं, पर आज की डेट में देखा जाए तो सभी डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहा है। इसकी वजह से पूरे नॉर्थ ईस्टर्न का जो परफॉर्मेंस है वो नीचे आ जाता है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट को अभी ज़रूरत है गुड गवर्नेंस की और अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो बेस्ट पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ पन्नों में रह जाएंगी और ऑन फील्ड इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। ये चेंजेस लाने हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अटेंशन दिया है नॉर्थ ईस्ट पे, पर सच्चाई ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती अगर स्टेट गवर्नमेंट खुद रेडी नहीं हो जाती चेंजेस लाने के लिए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की जाए तो हमको उसको फोकस में रखते हुए कोशिश करनी चाहिए कि हम वहाँ से पावर्टी ख़त्म करें और सभी सोशल इंडिकेटर्स में बेटर परफॉर्म करें, इनइक्वालिटी ख़त्म हो, ये सब गोल्स रख के हमें आगे काम करना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट में, पर सस्टेनेबल वे में, मतलब कि इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं होना चाहिए और हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट में गवर्नेंस, नॉर्थ ईस्ट में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काफ़ी कमज़ोर है। कैसे पता चलता है ये बात? क्योंकि वहाँ पे देखा जा रहा है जो फंड प्रोवाइड किए जाते हैं उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं होता है, हमेशा अनयूटिलाइज रह जाते हैं। इसके वजह से बहुत से प्रोजेक्ट अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। साथ ही साथ सुपरविजन बहुत ख़राब है। अगर ये सब अच्छा नहीं तो अच्छा आउटकम तो आना ही नहीं है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या फैक्टर्स हैं जो कि डेवलपमेंट को पीछे कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के, और कौन कौन से सोशल इंडिकेटर हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है फंड यूटिलाइजेशन। आपको पता होगा ये बात कि कुछ मिनिस्ट्रीज को छोड़ के कुछ को एक्सेप्शन मिला है, कुछ को एग्जेम्प्ट किया गया है, बाकी सारी मिनिस्ट्री को हर साल अपना जो ग्रॉस बजटरी एलोकेशन होता है उसका 10% नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए देना होता है। उसमें से जो पैसा खर्च नहीं होता है उसको डाल दिया जाता है नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज में। नॉर्थ ईस्ट में बहुत से प्रोजेक्ट लाए गए थे इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें से काफ़ी इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हो पाए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि प्रॉपर टाइम पे फंड उनको नहीं मिलता। जब अब डिले होता है, फंड में डिले होता है, तो प्रोजेक्ट का भी टाइम बढ़ जाता है। जब प्रोजेक्ट का टाइम बढ़ता है उसमें डिले होता है तो प्रोजेक्ट कॉस्ट भी बढ़ जाता है, तो इसका फिस्कल कॉस्ट भी झेलना पड़ता है प्रदेश को भी और देश को भी। अब बात की जाए कि इंटरनल एक्यूरल कितना हो रहा है टोटल, देखिए ये NLCPR में 2000 से 2010 के बीच में 17,230
करोड़ रुपए डाले गए थे जिसमें से अभी तक सिर्फ इतने रिलीज हुए हैं, 8,796। और बहुत से एक्सटर्नल प्रोजेक्ट हैं जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन द्वारा फंड किए जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो अभी भी इसलिए नहीं पूरे हो पा रहे क्योंकि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं हमारे यहाँ, रेड टेपिज्म है, उसकी वजह से वो अभी भी अटके हुए हैं। तो जब भी डिले होगा तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ना ही बढ़ना है, यहाँ पर यही बात की जा रही है। अब बात करते हैं मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन सिस्टम के बारे में। ऑफिशियल डिफरेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा एंड सबमिशन ऑफ डाटा। और जो ये डाटा सजेस्ट करते हैं करेक्टिव एक्शंस या फिर रिमीडियल एक्शंस, उस पे ध्यान नहीं दिया जाता, उसका एनालिसिस नहीं किया जाता। सिंपली बस ये किया जाता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे, अपर लेवल पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है फॉर द सेक ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन। कलेक्ट इसलिए करें क्योंकि कलेक्ट करना है, कलेक्ट उसको कलेक्ट करके उसका इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो जो डाटा कलेक्ट हो रहा है उसका रेगुलर चेक नहीं किया जाता कि उस कितना ऑथेंटिक है कि कितना ऑथेंटिक नहीं है। तो डिपार्टमेंट्स इन डाटा को वेरीफाई करने में ज़्यादातर फेल होते हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहा है इन डाटा को कलेक्ट करने में। तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए इसको एड्रेस करने के लिए? बहुत ही सिंपल है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन्हीं सब हरकतों से दूर हो जाओ तो ये चीज़ें सुधर जाएंगी। जैसे कि प्रोसेस रिफॉर्म हमको लाना पड़ेगा ताकि जो फील्ड डाटा कलेक्ट हो रहा है वो ऑथेंटिक रहे, रिलायबल रहे और टैली करे उससे जो कि एवेल्युएटेड डाटा हो। एक और ये भी देखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत बार एलिवेटेड डाटा देते हैं और प्रेजेंट करते हैं, तो इसको भी सेकंड स्टेप यही करना कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स को ये जो इन्फ्लेटेड डाटा ये प्रोवाइड कर दे रहे हैं, इन ये सब अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं ई गवर्नेंस के बारे में। ई गवर्नेंस कैसा है नॉर्थ ईस्ट में? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है असम को लेके, 2014 में रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया कि कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं है आईसीटी को लेके असम के पास, और ना ही कोई कॉमन फ्रेमवर्क है सर्विस डिलीवरी के लिए, और कोई स्ट्रॉन्ग आईसीटी स्ट्रक्चर भी नहीं पाया गया है। साथ ही साथ अगर आप दूसरा देखना चाहेंगे तो 10th कॉमन रिव्यू मिशन जो कि 2017 की बात की जा रही है, इसमें भी कहा गया नेशनल हेल्थ मिशन जो कि नागालैंड में था उसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर पाया गया है, क्योंकि हेल्थ के लिए है, क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन की बात हो रही है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर हो रहा है, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन, ये सब भी बहुत पुअर रहेगी अगर आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। वे फॉरवर्ड क्या होगा इसका, तो इससे निजात कैसे पाना है? ज़रूरत है कि कॉमन आईसीटी प्लान को डेवलप किया जाए जो कि एड्रेस कर रहा हो सारी लेगेसी इश्यूज़ को, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक और हॉरिजेंटल कनेक्टिविटी, वाइड एरिया नेटवर्क, डाटा एंड डाटा सेंटर्स, आईसीटी स्ट्रेंथनिंग और स्टैंडर्ड्स एंड इंटरऑपरेबिलिटी। सभी डिपार्टमेंट को ज़रूरी है कि एक आईसीटी प्लान उनके पास रहे जो कि सर्विसेज और बैक एंड रिक्वायरमेंट्स और रिक्वायरमेंट फॉर द हॉरिजेंटल कनेक्टिविटी को एड्रेस करे। अब बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की। दो फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ब्यूरोक्रेसी में। पहला तो है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, किस वजह से हो रहा है? ओवर स्टाफिंग ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रुप सी और ग्रुप डी जो स्टाफ हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हैं और इनएफिशिएंट हैं, जैसे क्लर्क्स और पियोन्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा हैं और इनएफिशिएंट है। इसका फिस्कल इम्पैक्ट जो है वो हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है, और ये इकोनॉमिक बर्डन है गवर्नमेंट के लिए वहाँ के। और दूसरा चीज़ है कल्चर ऑफ बंद, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है असम, मणिपुर और नागालैंड में। अगर बंद अनाउंस हो जाता है कुछ लोगों द्वारा, तो अगर ये चीज़ असम में होती है तो इसका असर बाकी स्टेट में दिखता है, क्योंकि असम ही इकलौता स्टेट है जो कि कनेक्टेड है बाकी मेन स्ट्रीम इंडिया से, वो भी एक बहुत पतली सी कॉरिडोर जिसको चिकन नेक्स कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो अगर ये कनेक्शन ख़त्म हो जाता है बंद की वजह से, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट एक तरह से अलग हो जाता है और इंडिया से एकदम डिस्कनेक्ट हो जाता है पूरी तरह से, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बंद पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इंडिविजुअल राइट्स का वायलेट भी करती है और गवर्नेंस की इफेक्टिवनेस को पूरी तरह से ख़राब कर देती है। अब हम लोग वे फॉरवर्ड की बात कर सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को सुधारा कैसे जाए। एफर्ट्स देने चाहिए कि टेक्निकल सपोर्ट लिया जाए विद इन द रीजन एंड विद इन द कंट्री इट्सेल्फ, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हर लेवल पे गवर्नेंस को बेटर किया जा सके।
जरूरी है कि स्टेट डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज को स्ट्रेंथन किया जाए, मतलब मजबूत मजबूत किया जाए, ताकि कोई फ्रूटफुल पार्टनरशिप हो सके सिविल सोसाइटी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और साथ ही साथ जो सेल्फ गवर्नमेंट की, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, उनको भी मजबूत करने की ज़रूरत है। अब हम लोग बात करेंगे बैम्बू मिशन के बारे में, जो रिस्ट्रक्चर नेशनल बैम्बू मिशन था उसके बारे में, उसकी जो प्रोविजन्स है उसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसमें हमने नहीं जाना है। अभी हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें हमको पता चलेगा बैम्बू नॉर्थ ईस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। यहाँ पे हम स्कीम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, वो पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं उसको। तो चैप्टर का नाम ही यही रखा गया, बैम्बू मिशन ए टूल फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी लानी है बैम्बू के थ्रू। नॉर्थ ईस्ट में मेजोरिटी लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, यही बात यहाँ भी बताई जा रही है, क्योंकि 70% लोग, चाहे वो वैली में हो चाहे वो हिल्स में हो, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। नॉर्थ ईस्ट में जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो दो तरह के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। पहला तो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड बर्न एग्रीकल्चर, जो कि फॉरेस्ट में होता है। दूसरा होता है टेरेस कल्टीवेशन, जो कि वैलीज और फुटहिल्स पे होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर में इनोवेशन, इस पे ध्यान दिया गया है नॉर्थ ईस्ट में। तो क्या क्या इनोवेशन है उस पे बात करते हैं। पहला तो हो गया बेंच टेरेस इरिगेशन प्रैक्टिस, ये टेरिस इरिगेशन की बात कर रहा है। यहाँ पे स्टोन और गली बैग्स का यूज़ किया जाता है, ताकि टेरेसेस को मेंटेन किया जा सके, जिससे के थ्रू सॉइल इरोजन को कंट्रोल किया जा सकेगा, कंटेन किया जा सकेगा। इसमें क्या होता है, जो हिल स्ट्रीम्स होती है, मतलब कि जो पहाड़ों से पानी आ रहा होता है, उसको टैप करने, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसको चैनल फिर करते हैं, और वो एक टेरेस से दूसरे टेरेस से होते हुए नीचे आता है। तो फ्लो, जो पानी का जो फ्लो है वो कंटिन्यू रहता है, क्योंकि ये तो नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स, जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। और ये अपर टेरेस से होते हुए लोअर टेरेस पे आते हैं। ये प्रैक्टिस सबसे अच्छी होती है नॉन फर्टाइल लैंड के लिए, खासकर चावल उगाने के लिए। इस रन ऑफ की वजह से होता है कि जो अपर पोर्शन, जो कि न्यूट्रिएंट रिच होता है, उससे न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ वो नीचे आने लगते हैं, तो नीचे का जो पोर्शन होता है वो चावल वावल उगाने के लिए अच्छा हो जाता है। और दूसरी इनोवेटिव प्रैक्टिस कौन सी है, ट्री बेस्ड इकोनॉमिक प्रैक्टिस। इसमें क्या है कि ट्री को इंटीग्रेट किया जाएगा एक्सटेंसिवली क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिस में। ट्री को किस लिए उगाया जा रहा है यहाँ पे, फूड के लिए, फाइबर के लिए, मेडिसिन के लिए और बाकी माइनर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। और लैंड का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है यहाँ पे, वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, फॉरेस्ट्री स्पेसीज के लिए, प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए। अब बात जब सस्टेनेबल प्रैक्टिस और इकोनॉमिक रिफॉर्म की होती है, तो नॉर्थ ईस्ट सालों से बैम्बू पे डिपेंड करता है इन सब के लिए। बैम्बू एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है उनके फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए। आप, मैं पूरी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात कर रहा हूँ, तो बैम्बू बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है वहाँ के इकोसिस्टम का, और वहाँ के जो लैंडस्केप है उसका एक डोमिनेंट फीचर है। 2018-19 के बजट में बैम्बू को ग्रीन गोल्ड कहा गया है, तो इस पॉइंट को रट लो, याद कर लो, हो सके तो शायद अगले साल प्रीलिम्स में भी ये पूछ दिया जाएगा। बैम्बू एक तरह का ग्रास है, पर उसकी हाइट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको ट्री की तरह क्लासिफाई किया जाता है। पर ये भी याद रखिएगा कि 2017 से इसको ट्री क्लासिफिकेशन से हटा दिया गया है, आज के डेट में इसको ट्री नहीं माना जाता। बैम्बू एक तरह का ग्रास है, पर पिछले 100 सालों से इसको ट्री की तरह क्लासिफाई किया गया है, जिसको फ़ायदा नॉर्थ ईस्टर्न लोगों ने उठाया और इसका कमर्शली बहुत इस्तेमाल किया। जो टोटल प्रोडक्शन बैम्बू का इंडिया में होता है, उसका 68% तो नॉर्थ ईस्ट में ही पाया जाता है, और जो टोटल प्रोडक्शन बैम्बू का वर्ल्ड में होता है, उसका 30% तो इंडिया में होता है। इसके बावजूद ग्लोबल मार्केट में हमारा सिग्निफिकेंस कितना है, हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, सिर्फ 4%, जो कि बहुत ही पुअर है। गवर्नमेंट इंडिया ने रिस्ट्रक्चर्ड बैम्बू मिशन लाया है, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब दोबारा यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला मैं इसको। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि है बैम्बू को प्रमोट करना, बैम्बू बेस्ड हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करना, इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि यूजेस कहाँ हैं बैम्बू के। तो कम्युनिटीज़ ने बैम्बू का इस्तेमाल, बैम्बू शूट्स का इस्तेमाल किया है एज ए फूड। ये नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो वहाँ पर एज ए फूड भी इसको इस्तेमाल किया गया है। इनके बहुत सी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होती हैं, और बैम्बू लैंड प्रोटेक्शन के लिए भी काम करता है, क्योंकि इसके थ्रू ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है और वाटर कैप्चर और रिचार्ज भी इंक्रीज किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं बैम्बू से।
बैम्बू पिकल, अचार, पिकल मतलब अचार, बैम्बू विनेगर सिरका, और फ्लावर वेस मतलब फ्लावर पॉट आप समझ सकते हो, बास्केट, अगरबत्ती स्टिक, मोबाइल कवर, टूथपिक, पेन स्टैंड, फर्नीचर इत्यादि, ये सब आप खुद पढ़ सकते हैं ये क्या चीज़ें हैं। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको आपको याद रखना है, जैसे कि बैम्बू हैट्स। इन प्रोडक्ट्स की खासियत ये है कि इनकी डिमांड ना ही सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है बल्कि इंडिया से बाहर भी। इनमें से आ जाते हैं बैम्बू हैट्स, बैम्बू बीन्स और बैम्बू कंटेनर जिसको थियार कहते हैं मेघालय में। साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान देखने वाली है कि नॉर्थ ईस्ट में जो फार्म एक्टिविटीज़ हैं वो अपने ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के से ही जानी जाती हैं, वो बहुत ही ऑर्गेनिक वे में वहाँ पे कल्टीवेशन होता है। और एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसको लॉन्च किया गया है ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इसके लिए फाइनेंशियल आउटले कितना दिया गया है, 400 करोड़, और ये कब से कब तक के लिए, 2015 से 2018 तक के लिए। अब हम आते हैं नए चैप्टर पे जो कि स्किल डेवलपमेंट से डील करता है। 21st सेंचुरी में इकोनॉमिक ऑर्डर मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के तरीके नए नए आ चुके हैं, अब नई नई अंडरस्टैंडिंग हो जा चुकी हैं और नए तरीके हो गए जिससे कि हम इकोनॉमिक कैपिटल और किसी नेशन के स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें से सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग का, जिसको कहते हैं हम डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ही पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि जो वर्किंग एज के लोग, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उनका नंबर ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन थे। तो इंडिया बहुत ही पॉजिटिव डेमोग्राफिक डिविडेंड आज के डेट में एंजॉय कर रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो पॉजिटिव हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है इनको तैयार किया जा सके ताकि भारत इसका फ़ायदा उठा सके। अगर ये इनको हम तैयार नहीं कर पाएंगे, इनको स्किलफुल नहीं बना पाएंगे, तो ये टोटल वेस्ट रहेगा। एक लौता रिसोर्स जो भारत में है वो है ह्यूमन पावर या फिर मैन पावर या फिर ह्यूमन रिसोर्सेस कह सकते हैं आप। अगर उनको तैयार नहीं करोगे तो वो बर्डन होने वाला है, वो लाइबिलिटी बन जाएंगे। और तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है स्किल डेवलपमेंट के लिए, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ फिर इसको समझाऊंगा। ये कहता है एनी डोमेन स्पेसिफिक डिमांड लेड स्किल ट्रेनिंग एक्टिविटी लीडिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और एनी आउटकम ओरिएंटेड एक्टिविटी दैट एनेबल्स द पार्टिसिपेंट टू एक्वायर ए स्किल ड्यूली असेस्ड एंड सर्टिफाइड बाई एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी एजेंसी एंड विच एनेबल हिम और हर टू गेट वेज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड लीडिंग टू दी इंक्रीज अर्निंग एंड और इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशंस। तो कोई भी डोमेन स्पेसिफिक, डोमेन मतलब किसी भी फील्ड में डिमांड लेड स्किल ट्रेनिंग हो, मतलब कि उस एक्टिविटी के लिए डिमांड हो कि इसमें स्किल डेवलपमेंट की जानी चाहिए, जिसके वजह से क्या हो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो या फिर रिजल्ट निकले ये कि स्किल्ड लोग बाहर निकल रहे हैं उस एक्टिविटी की वजह से। जरूरी ये रहेगा या तो वो एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं या तो वो स्किल एक्वायर कर रहे हों, और इस स्किल को एक्वायर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसको असेसमेंट होना चाहिए और सर्टिफाई होना चाहिए तीसरी पार्टी द्वारा, स्किल के थ्रू वो खुद से एम्प्लॉयमेंट पा सकें, उनका वेज, उनको वेज मिल सके, या तो उनकी वेज को बढ़ावा मिल सके मतलब उनकी अर्निंग को बढ़ावा मिले, या तो उनकी लिविंग कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट आए। ये सब होता है तब हम कहते हैं कि हाँ भैया स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। पर अगर साधारण भाषा में बात की जाए तो स्किल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एनी इंडिविजुअल इन ए पर्टिकुलर सेक्टर सो दैट ही और शी कैन एंजॉय द जॉब मार्केट विद एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए स्टेटस दैट जस्टिफाई देयर नॉलेज एंड स्किल लेवल। सिंपल सी बात है, स्किल डेवलपमेंट वो चीज़ होती है जिसके में आप ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल में किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, जिसके थ्रू वो जॉब मार्केट में जाएगा, उसको जॉब मिलेगी, वह नौकरी उसके कॉम्पिटेंसी के आधार पे होगी। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो उसके बाद भी आपको कम, आपको आपके कॉम्पिटेंसी के हिसाब से जॉब नहीं मिल पा रही, तब स्किल डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। आपको आपके कॉम्पिटेंसी के हिसाब से जॉब मिलनी चाहिए। तो स्किल्ड लोग अगर बढ़ते चले जा रहे हैं पर अगर जॉब क्रिएशन नहीं है अच्छा तो भी नुकसान ही नुकसान है। अब बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट इंडिया की। हमारे यहाँ एक फुल फ्लेज मिनिस्ट्री है स्किल डेवलपमेंट के लिए, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेनरशिप, जो कि कंट्रोल करता है स्किल डेवलपमेंट के पेस को इंडिया में। स्टेट लेवल पे भी बहुत से स्किल डेवलपमेंट मिशंस हैं। अब हम लोग आते हैं नॉर्थ ईस्ट पे। ये तो हो गया अभी वर्ल्ड सिनेरियो फिर इंडियन सिनेरियो, अब हम लोग बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। तो नॉर्थ ईस्ट में
स्किल डेवलपमेंट का सिनेरियो कैसा है? नॉर्थ ईस्ट को कहा जाता है, इसको रीब्रांड किया गया है न्यू इंजन इन न्यू इंडिया। तो ये फ्रेज जो है ये दर्शा देता है कि नॉर्थ ईस्ट क्या इंपॉर्टेंस रखता है आज के डेट में भारत के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि सारे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग देयर स्किल डेवलपमेंट। शुरुआत करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट कर रही है नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन से ताकि एक ग्राउंड वर्क तैयार किया जा सके जिसके थ्रू स्टेट में स्किल डेवलपमेंट लाया जा सकेगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 87,000 यूथ्स को गारंटी दिया है कि उनको जॉब प्रोवाइड की जाएगी पीएम कौशल विकास योजना के तहत। ये गारंटी उन्होंने दी है। और 4 नए IIT खुलने वाले हैं 2018 से 19 के बीच में। इसके साथ ही साथ रूरल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में डेवलप किए जाएंगे पूरे स्टेट में। ये अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। और स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी भी सेटअप की गई है। और देश का पहला होम स्टे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत तवांग में लॉन्च किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें थी अरुणाचल के बारे में रिगार्डिंग स्किल डेवलपमेंट। अब हम लोग आते हैं असम पे। असम में क्या क्या स्थिति है? असम में स्किल डेवलपमेंट को दो स्कीम के तहत इम्पार्ट किया जा रहा है जो कि हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिशन और असम स्टेट लाइवलीहुड मिशन और साथ ही साथ नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। असम गवर्नमेंट का टारगेट है कि 3 लाख नए एंट्रेंट्स को ट्रेन किया जाए अगले कुछ सालों में। और साथ ही साथ जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट असम में है वो सक्सेस स्टोरीज को लोगों को बता रहा है ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके। असम देश का पहला स्टेट है जिसने एक बहुत ही यूनिक स्किल डेवलपमेंट स्कीम निकाली जिसका नाम है कारागोर पोरा कारीगोर स्कीम, जो कि जेल इनमेट्स के लिए है, जो कैदी हैं उनके लिए बनाई गई है स्कीम, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है, जो कि बहुत अनोखी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है। इस नाम को बहुत ज़रूर याद रखिएगा, कारागोर पोरा कारीगोर स्कीम, क्योंकि ये एथिक्स के आधार पर भी देखा जाए तो बहुत अच्छा है, गवर्नेंस के आधार पर भी देखा जाए तो ये स्कीम बहुत अच्छी है। तो ये नाम अगर आप मेंशन कर देते कि असम में ऐसी स्कीम आई है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये मैं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हो, तो इसको याद रखिएगा। और गवर्नमेंट पार्टनरशिप में आई है कुछ प्राइवेट कंपनी जैसे कि सिस्को और डाबर से, जिसके थ्रू वो सेक्टोरल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को प्रमोट कर रहे हैं। अब बात आती है मणिपुर की। मणिपुर गवर्नमेंट का टारगेट है कि 1.5 लाख लोगों को जॉब प्रोवाइड की जा सके और साथ ही साथ हर घर में कम से कम एक लोग को जॉब प्रोवाइड की जा सके और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी 40 कॉलेजेस में जो कि पूरे स्टेट भर में होगा। और इसके अलावा ये भी है कि फोकस किया जा रहा है कि स्किल डेवलपमेंट ट्राइबल वुमेन में भी किया जा सके और खासकर उनमें जो कि सरेंडर मिलिटेंट्स है। जो अब बात आती है मेघालय की। मेघालय में स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी जो है 7,700 यूथ्स को ट्रेन कर रही है अपने पहले फेज में। इसके साथ ही साथ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत रूरल यूथ को ट्रेन किया जाएगा और उनको जॉब मार्केट में लाया जाएगा। अब बात आती है मिजोरम और नागालैंड की। दोनों ने ही अपने स्किल डेवलपमेंट स्कीम को अलाइन किया है और उनके गोल्स को भी अलाइन किया है विद इन द गैम्बिट ऑफ बॉर्डर स्किल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द कंट्री। अब त्रिपुरा की बात करें तो एक सेपरेट स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन तैयार किया गया है जो कि प्रमोट करेगा स्किल डेवलपमेंट को स्टेट में। अब बात आती है सिक्किम की। यहाँ पे लाइवलीहुड स्कूल्स को इनॉग्रेट किया गया है जो कि डिफरेंट सेक्टर्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे इंक्लूडिंग आर्ट्स एंड कल्चर। और साथ ही साथ एडू वर्क जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है फॉर द पर्पस ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं कि और क्या तरीका हो सकता है स्किल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए उसके बाद भी कुछ एरिया हो रह जाती हैं जिसको एड्रेस करना जरूरी है, जैसे कि स्किल मैपिंग। तो जरूरी है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्किल मैपिंग हो हर स्टेट की। और जब स्किल मैपिंग हो तो ये ध्यान रखा जाए कि ट्रेडिशनल नॉलेज जो उस पर्टिकुलर एरिया है उसको हार्नेस किया जा सके और इस तरह से हार्नेस किया जा सके कि इस स्किल को रीडिज़ाइन किया करके हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, ठीक है। और साथ ही साथ मैपिंग बेस्ड होना चाहिए नीड्स ऑफ द कैचमेंट एरिया, मतलब कि उनकी ज़रूरत अनुसार
ये मैपिंग होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हमें ध्यान देना होगा व्हेन इट कम्स टू द स्किल डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। पहला फैक्टर आता है कि जो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए वो ट्रेडिशनल नॉलेज पे बेस्ड होना चाहिए। अब त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में के पास पोटेंशियल है कि वो रबर जायंट बन सकता है। नागालैंड फोकस कर सकता है टूरिज्म बेस्ड ऑन हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये नाम तो आप लोग पढ़ भी चुके होंगे प्रीलिम्स के लिए, तो इसके थ्रू टूरिज्म को बूस्ट कर सकता है। अब मेघालय क्या कर सकता है, ये सब देखिए इंडिजीनियस चीज़ें हैं, ये लोकल नॉलेज है, इसी के इस्तेमाल की बात हो रही कि इसके थ्रू आप अपना एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए, अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कीजिए, यहाँ पे यही बात हो रही है। और मेघालय किस पे स्ट्रेस कर सकता है, जैसे कि इनके कुछ एरियाज हो गए जैसे सोहरा दौकी, ये कुछ अनएक्सप्लोर्ड जयंतिया हिल्स हैं, इनको डेवलप कर ले एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एज ए होल सपोर्ट सिस्टम, जहाँ पे आपको होटल्स भी मिले लोगों को, लोग यहाँ पे आए, टूरिज्म बढ़े और मार्केट्स बढ़े, यहाँ पे यही बात की जा रही है। और दूसरा फैक्टर जिसके थ्रू स्किल डेवलपमेंट को बूस्ट किया जा सकता है वो है नॉर्थ ईस्ट रीजन का इंटीग्रेशन हो जाए इंटरनेशनल मार्केट से। तो ज़रूरी ये है कि हम ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ करते हुए कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिसकी डिमांड बाहर की कंट्रीज़ में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश ने यही काम करके दिखाया है। बांग्लादेश ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अपने लिए एक मार्केट क्रिएट कर दिया है जिसमें कि उनके कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि लीची जूस। लीची जूस बांग्लादेश से आता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। वैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉर्थ बाकी कंट्रीज़ को चाहिए होती हैं और हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। एक चीज़ हो सकती है जैसे गमछा या फिर शॉल, जो नॉर्थ ईस्ट का है वो बहुत फेमस है, और उसी तरह से हम इसको यूज़ करेंगे अपने अगल बगल की कंट्रीज़ में, इसको प्रोवाइड करेंगे और वहाँ पे अपना इन प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट क्रिएट करेंगे, ये बात यहाँ की जा रही है। तीसरा होगा कि हमेशा हमारा अप्रोच आउटकम बेस्ड होना चाहिए, मतलब इसके लिए हमने क्या किया है कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड्स को इसको हमको इन्फोर्स लाना होगा, ठीक है। चौथा है एजुकेशनल रिफॉर्म, जो कि बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे हमको ड्रॉप आउट रेट्स को रिड्यूस करना है, और वोकेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर पांचवी और आखिरी चीज़ आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज़ को हमको एड्रेस करना पड़ेगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत ही पुअर है। इसमें क्या है कि अनयूटिलाइज्ड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अब यूटिलाइज करिए आप, और प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के जो नंबर है उनको इंक्रीज करना होगा, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रेनिंग एंड ट्रेनर्स शुड बी सेटअप। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है जेंडर मेनस्ट्रीमिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। नॉर्थ ईस्ट में 250 से ज़्यादा एथनिक कम्युनिटीज़ रहती हैं, और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशियो रिलीजियस सिचुएशन क्रिएट करती हैं, जो कि कई तरह के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर देते हैं फॉर वुमेन। औरतों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अपने रोज़ाना ज़िंदगी में। हिस्टोरिकली उन लोगों को कोई रोल नहीं दिया गया था, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जो रहे हैं पहले, वुमेन का रोल बहुत कम था या फिर ना के बराबर था। सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता था। वुमेन का रोल काफ़ी मेजर हो जाता है जबकि हम बात करते हैं एग्रीकल्चर और लाइफ स्टाइल डेवलपमेंट के बारे में, पर इसके बावजूद भी इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन से। और नैरकॉम का मतलब है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट फॉर अपलैंड एरियाज। ये बना कब था, ये 1999 में बना था, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंडर आता है। तो ये इस काउंसिल की और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जॉइंट इनिशिएटिव है ये नैरकॉम्प इनिशिएटिव, ठीक है। इसने बहुत से अच्छे काम किए हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इसका एम क्या है, टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ द वल्नरेबल ग्रुप्स इन ए सस्टेनेबल मैनर। नैरकॉम का एम है कि जितने भी वनरेबल ग्रुप्स हैं उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव किया जा सके सस्टेनेबल मैनर में, और ये किया कैसे जाएगा, जो नेचुरल रिसोर्स बेस है उनका उसका मैनेजमेंट इम्प्रूव करेंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि इस एक्टिविटीज से इन्वायरमेंट को प्रिजर्व भी किया जा सके और कंजर्व भी किया जा सके। नैरकॉम टोटल 2640 विलेजेस को कवर करता है और 188,843 हाउस होल्ड को कवर कर रहा है। अब तक में टोटल 2960 नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप्स को इन्होंने बनाए हैं, इन नैरकॉम ने इतने ग्रुप्स बनाए हैं, और विलेज लेवल पे इन नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप्स को चार्ज दिया गया है प्लानिंग के लिए। अब हम बात करते हैं कि नैरकॉम ने क्या क्या
स्टेप्स लिए हैं, क्या क्या मेजर्स लिए हैं जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाया जा सके। पहला तो इन्होंने ये किया है कि जो कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान्स होते हैं गर्ल्स के लिए, उसमें प्लानिंग के दौरान वुमेन का पार्टिसिपेशन, वुमेन का इंट्रैक्शन इन्होंने बढ़वाया है। अब वुमेन अपना परसेप्शन भी और अपनी ज़रूरतों के बारे में भी आगे बढ़ के बताती हैं जब ये कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान बनता है। और दूसरा पॉइंट ये कि औरतों का इक्वल एक्सेस प्रोवाइड किया है ट्रेनिंग और प्रोडक्शन मेथड को इम्प्रूव करने के लिए, खासकर हैंडलूम सेक्टर में। तीसरा पॉइंट ये आता है कि औरतों को प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया गया है, जिसके वजह से जो रूरल वुमेन है उनकी मोबिलिटी अब बढ़ चुकी है, उनका हेल्थ कंडीशन, हेल्थ केयर जो है वो भी इम्प्रूव हो रहा है, उसको भी इंश्योरिटी मिल रही है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती चली जा रही है। चौथा पॉइंट आता है कि जो बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि लो कॉस्ट सैनिटेशन, प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर मतलब साफ पानी, और इंटर विलेज रोड्स, हीटिंग शेड्स, कलेक्शन सेंटर, ये सब इंश्योर करने में औरतें भी बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। अब उनको बेटर हेल्थ और हाइजीन कंडीशन भी प्रोवाइड की जा सकती है। और पांचवा पॉइंट आता है कि औरतों का पार्टिसिपेशन को मेनस्ट्रीम कर दिया है फॉर मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज। ये पांच पॉइंट हैं। अब हम बात करते हैं कि ये नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या रोल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने में। ये रूरल डेवलपमेंट में इंटरवीन करते हैं बहुत ही सस्टेनेबल और रोबस्ट वे में, और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप्स वुमेन पार्टिसिपेशन इंश्योर कर रहा है और इसके थ्रू वो वुमेन को एम्पावर भी कर रहा है और ये भी ध्यान देता है कि उनको इम्पोर्टेंट ऑफिशियल पोजिशन मिल सके। तीसरा चीज़, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो औरतों को एम्पावर कर रही हैं ताकि वो जो वुमेन और लाइवलीहुड रिलेटेड केसेस हैं उसको टैकल कर सकें और सोशल सेक्टर्स में आगे बढ़ सकें। और अगर बात की जाती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, तो वो औरतों को एम्पावर कर रहे हैं और वो ऐसे इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं जिससे कि औरतों को इतना एम्पावर किया जा सके ताकि वो अपने लाइवलीहुड और सोशल सेक्टर्स के इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें। और बहुत से कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चल रहे हैं जिसके थ्रू जो कोर स्ट्रेंथ है मेंबर्स के उसको बढ़ाना है और साथ ही साथ क्रेडिट इनटेक एबिलिटी बढ़ाना है, जिसके बाद सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ाई जाएगी। और इन ग्रुप्स ने कुछ प्रोग्राम इनिशिएट किए हैं जिसके थ्रू सेविंग और बैंकिंग की आदत औरतों में लाई जा सके, और इनके अकाउंट खोले गए हैं, इनको ऑनलाइन बैंकिंग सिखाई गई है, इनको बैंकिंग ऑपरेशन कैसे होता है, बैंक में अकाउंट कैसे खुलता है, ये सब भी सिखाया गया है। साथ ही साथ एक नया माइंडसेट क्रिएट करने की कोशिश की गई है जिसमें कि कम्युनिटीज़ बजाय ग्रांट्स के अब लोन्स की डिमांड करेंगे कि उनको भी अब इच्छा है कि वो पे कर सकते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं जो पैराडाइम शिफ्ट आया है पैट्रियार्की से वुमेन एम्पावरमेंट में, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए नरकॉम जब आया नहीं था, उससे पहले कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर औरतें इन्वॉल्व होती हैं और वो चीज़ें घर से बाहर होती हैं, मतलब कि अगर कोई बाहर किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं तो बहुत ही ऑब्जेक्शनल माना जाता था, उसको ऑब्जेक्ट करने वाले बहुत लोग थे, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था सोसाइटी द्वारा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जब नहीं आए थे तो सेविंग का कंसेप्ट भी नहीं पाया गया था। आज के डेट में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने औरतों के बीच में बैंकिंग हैबिट क्रिएट करने की बहुत अच्छी कोशिश की है और काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे हैं, पर तब ऐसा नहीं था। इन सब ग्रुप्स के आने की वजह से रिजल्ट ये रहा है कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कि बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और ऐसे बुक्स को मैनेज करना जानती हैं जो कि माना जा रहा था कि उनको मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। नरकॉम ऐसे प्रोजेक्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इन्होंने बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है फॉर वुमेन पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग के में औरतों की जो भागीदारी रहेगी उसको बढ़ाने में नरकॉम ने बहुत ही अच्छा काम किया है जब विलेज डेवलपमेंट की बात की जाए। इसके साथ ही साथ इन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी भी प्रोवाइड की है और इन्होंने हेल्थ और सैनिटेशन को भी इम्प्रूव किया है, साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी को भी एड्रेस करने की बात की है। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे नया चैप्टर जिसका टाइटल है प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक्स। ये चैप्टर एक्सक्लूसिवली नॉर्थ ईस्ट से डील नहीं करता, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है कि लास्ट में डिस्कस करूंगा। बात की जा रही इंडियन रेलवेज की। इंडियन रेलवेज 162 साल पुराना है।
एशिया में सेकंड रैंक पे आता है अगर हम इसके एरिया की बात करें या फिर कितना लंबा कितना एरिया ये कवर कर रहा है या फिर कितनी लेंथ है इसकी, और वर्ल्ड में ये फोर्थ रैंक पे आता है। इंडियन रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब बात की जाती है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की देश के। इन्होंने ज्योग्राफिक कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है जिसके थ्रू हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया है, साथ ही साथ इन्होंने सिटीज़न मोबिलिटी भी इम्प्रूव की है, कमर्शियल एक्टिविटी भी इम्प्रूव की है, और इसके साथ ही वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया है। गवर्नमेंट ने टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,48,528 करोड़ रुपये इसके लिए अलॉट किए हैं इंडियन रेलवेज में 2018-19 के लिए, और 600 मेजर रेलवेज का रीडेवलपमेंट की बात की गई है, 36,000 नए रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाएंगे आने वाले सालों में, और 4,267 अनमैंड रेल क्रॉसिंग को एलिमिनेट कर दिया गया पिछले दो सालों में। क्या क्या चैलेंजेस आज की डेट में रेलवे झेल रही है? पहला है स्लो पेस ऑफ एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन, धीमी गति से ये एक्सपेंड कर रहा है और मॉडर्नाइज हो रहा है। इंडिया ने आज़ादी के बाद से अब तक में सिर्फ 10,000 किलोमीटर तक की रूट जोड़ी है, इंडियन रेलवेज ने इतनी ही रूट जोड़ पाई है। इसी टाइम पीरियड में चाइना ने 50,000 किलोमीटर जोड़ा है, तो आपको एक्सपेंशन का रेट पता चल गया कि बहुत स्लो है। दूसरा आता है रेलवे एक्सीडेंट्स, इसके बारे में समझाना ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अभी आप समझ ही सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम आती है ट्रेवल विदाउट टिकट्स, लोग चढ़ जाते हैं बिना टिकट का पैसा दिए। चौथी प्रॉब्लम है फिजिकल प्रॉब्लम, इंडियन रेलवेज जो है एक बहुत ही दुविधा में फंसा हुआ है कि वो सर्विंग का काम करे क्योंकि वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो जाता है, तो वो लोगों को सर्व करने का काम करे या फिर खुद सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाए जिसके पास खुद के एक्सपेंसेस रहें, जो अपने रेवेन्यूज खुद कलेक्ट कर ले और अपने आप को मॉडर्नाइज करने के लिए एक्सपेंसेस जो चाहिए उसको भी खुद ही कलेक्ट कर ले। वो तभी हो सकता है जब फेयर्स को इंक्रीज किया जा सके, और ऐसा होता नहीं है, तो इस दुविधा में फंसा हुआ है कि वो वेलफेयर पे ध्यान दे या इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दे। इसके वजह से क्या हो रहा है कि पैसेंजर फेयर्स जो हैं वो बढ़ने उनके उस पैसेंजर जो रेट्स हैं वो बढ़ नहीं रहे, और ना ही नए ट्रेन आ रही हैं, और इसका जो बर्डन है वो यूनियन बजट पे पड़ता है। गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव स्टेप लिया है, वो है सर्ज प्राइसिंग ऑफ टिकट्स इन प्रीमियम ट्रेन्स, जो महंगी ट्रेन्स होती है उनमें प्राइसिंग सर्च की गई है। ये एक स्टेप है जिसके थ्रू कुछ हद तक जो फिस्कल प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर सकते हैं, पर पूरी तरह से एड्रेस नहीं होगा। पांचवी बात आती है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, एम्प्लॉय बेस देखिए कितना है, 1.3 मिलियन, इतने लोगों को इसने एम्प्लॉयमेंट दी है। पता होगा कि रेलवे में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनियन पाई जाती है, वर्कर्स यूनियन बहुत ज़्यादा हैं, और सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसमें कि हायरार्किकल डिसीजन मेकिंग होती है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, कोई भी अगर डिसीजन होता है सिंपल डिसीजन को भी लेने में सालों लग जाते हैं यहाँ पे। छठा पॉइंट आता है फाइनेंसेस और अकाउंटिंग, इंडियन रेलवे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च करती है और बहुत ही कम बचता है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करने के लिए, तो ज़रूरत इस बात की है कि रेलवेज नए तरीके ढूंढे और अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंड कर सके ताकि कोई नोटिसेबल चेंज दिखाई पड़े। छठा आता है ओल्ड ट्रैक्स और पुअर स्टेट ऑफ रोलिंग स्टॉक, लैक ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, और आठवां पॉइंट आता है कि आउटमोटेड टेक्नोलॉजी, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नवां पॉइंट आता है प्रॉब्लम ऑफ रिप्लेसमेंट, दसवां प्रॉब्लम ऑफ लेइंग डबल लाइन, ग्यारहवां इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट। ये सभी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इनको समझाने की जरूरत नहीं, खुद ही समझ में आ जा रहा है क्या कह रहा है। और बारहवां पॉइंट आता है कॉम्पिटिशन, यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, कॉम्पिटिशन विद रोड ट्रांसपोर्ट, ये ध्यान दीजिए कि कॉम्पिटिशन कहना चाह रहा है यहाँ पे। और तेरहवां आता है इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, FDI इनफ्लो रेलवे में 2000 से लेकर 2017 तक के बीच में कितना हुआ है, सिर्फ $96.99 मिलियन, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई हैं इकोनॉमिक सर्वे द्वारा रेलवेज को इम्प्रूव करने के लिए? पहला है कि टैरिफ रियलाइजेशन, कैसे नई जो न्यू कमोडिटीज है उनका क्लासिफिकेशन होना चाहिए, टैरिफ रियलाइजेशन होना चाहिए, रियलाइजेशन ऑफ द कोल टैरिफ, एक्सपेंशन ऑफ फ्राइड बास्केट थ्रू कंटेनराइजेशन, और नई पॉलिसी और गाइडलाइंस लानी चाहिए
विद रिस्पेक्ट टू स्टेशन रेट्स, और डुअल फ्लाइट पॉलिसी को विड्रॉ कर लेना चाहिए, जो कि है इम्प्लीमेंट की गई, अभी है इनफोर्स है, और फ्लाइट बिजनेस के लिए डिजिटल पेमेंट होना चाहिए। दूसरी रिकमेंडेशन है स्टेशन रीडेवलपमेंट, और दूसरा आता है स्टेशन रीडेवलपमेंट। अब सेफ्टी की बात करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आई थी रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ रेलवेज, कुछ चीज़ें उन्होंने रिकमेंड की जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला रिकमेंडेशन था कि अगर एक्सीडेंट को अवॉइड करना है तो ट्रेन को डिच लाइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और इनको पेंट करना पड़ेगा येलो कलर से, ब्राइट येलो कलर से, ताकि ट्वाइलाइट आवर में भी विजिबिलिटी अच्छी रहे। दूसरी रिकमेंडेशन की ये थी कि जो रेल एम्प्लॉयज़ हैं उनको हाई विजिबिलिटी क्लोथ्स प्रोवाइड किए जाएँ, जो कि साल भर चलें और ख़राब ना हो। तीसरी चीज़ ये थी कि हर ट्रेन को इक्विप किया जाएगा फायर एक्सटिंग्विशर द्वारा, कि सब में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, और स्टाफ को भी ट्रेन करना होगा कि उसको अगर फायर की सिचुएशन होती है तो क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए। जो लेवल क्रॉसिंग पाथ्स होते हैं उनको पेंट करना होगा क्रॉस हैच पैटर्न में, ताकि अलर्ट कर सकें और हाईलाइट कर सकें कि आगे डेंजर है, तो इससे पीपल लोग भी सुरक्षित रहेंगे। पांचवा होता है कि रिव्यू मैकेनिज्म एक अच्छा होना चाहिए, और छठा रिकमेंडेशन था कि एक इंडिपेंडेंट रेल सेफ्टी रेगुलेटर को क्रिएट किया जाए। ये हो गया सेफ्टी के रिगार्डिंग वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। अब दूसरी रिपोर्ट आती है अनिल काकोदर कमेटी के द्वारा, ये 106 रिकमेंडेशन थी जिसमें से 68 इंप्लीमेंट की गई है और एक्सेप्ट कर ली गई है फुल्ली, 19 पार्शली एक्सेप्ट की गई है और 19 एक्सेप्ट नहीं की, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है। वे फॉरवर्ड क्या होगा? गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर लिक्विडिटी क्रंच, मतलब जो पैसे की कमी पड़ रही है उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे। दूसरा पॉइंट आता है कि रेल सेफ्टी प्रोसीजर का कंपाइलेंस बढ़ना चाहिए, जैसे कि LHB कोचेस प्रोवाइड करने चाहिए, अल्ट्रासाउंड बेस्ड रेल टेस्टिंग एक्सेट्रा, ये सब होना चाहिए। जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको रिफॉर्म करना जरूरी हो गया है, और इसको और भी ओपन और क्लोजिव बनाने की ज़रूरत है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग होनी चाहिए अगर डेविएशन होता है तो। अगला रिकमेंडेशन ये है कि जो डायरेक्ट डिस्चार्ज टॉयलेट्स होते हैं उनको रिप्लेस कर देना चाहिए बायो टॉयलेट्स, ये भी आप समझ गए किस बारे में बात कर रहे हैं। अगला रिकमेंडेशन ये था कि जो इंक्रोचमेंट होता है ना रेलवे एरिया पे, लोग घुस के रहने लग जाते, अपना वहाँ पे एरिया पे कब्जा करते चले जा रहे हैं मजबूरी में ही सही, पर ऐसा हो रहा है, उसको हटाया जा सके पूरी तरह से, तभी प्रॉपर रेलवे डेवलपमेंट हो सकेगा। और साथ ही साथ सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशन और ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को अपग्रेड किया जाए, ये सब बातें की गई हैं। पाइपबैक डेब्रॉय कमेटी ने भी एक चीज़ पॉइंट आउट की है, जो सप्लाई साइड इंप्रूवमेंट्स हुई हैं उसको कमिश्नरेट नहीं किया गया है डिमांड साइड रिक्वायरमेंट द्वारा, और ये चीज़ हमको पता कैसे चलती है? ये पता चलता है विद द स्लो स्पीड ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स ट्रेन्स एज वेल एज डिले इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एंड एक्सपेंशन ऑफ द नेटवर्क्स। और इसके साथ ही हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, तीसरी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, और उसके साथ आपका अप्रैल मंथ का योजना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और बिल्कुल भी आपको चिंता करने की बात नहीं है, हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ जो कि योजना में दी है, और कुछ जो स्कीम योजना में दी है भले ही एक्सप्लेन नहीं की गई, उनको भी इन वीडियोस में बताया गया है। तो आप अगर इन वीडियोस को, तीन वीडियो को देख लेते हो तो आपका योजना ओवरऑल कंप्लीट रहेगा, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो रहिएगा आप लोग। तब तक के लिए नमस्कार।